चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के अपने डेली करंट अफेयर के 5 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शहर सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए पोर्टल लॉन्च करने का प्रभारी है? पहला ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, दूसरा है सांस्कृतिक मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत भर में शहरी स्थानीय निकाय www.citybeautycompetition.in पर एक ऑनलाइन प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। प्रतियोगिता का उद्देश्य सुंदर, नवीन और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए शहरों और वार्डों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें पहचान देना। शहरों में वार्डों और सार्वजनिक स्थलों के 5 स्तंभों के आधार पर आका जाएगा। पहला है पहुंच, दूसरा है सुविधाएं, गतिविधियां, सौंदर्य शास्त्र और पारिस्थितिकी। प्रतियोगिता शहर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सुंदर वार्डों और सार्वजनिक स्थलों को सम्मानित करेगी। प्रतियोगिता विरासत और संस्कृति, स्थायी समुदाय और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देती है। प्रतियोगिताएं राज्य और शहर के बीच में पीयर लर्निंग का प्रोत्साहन भी करेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि इस वर्ष की 15 जुलाई है। हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में दीमा हसाओ क्षेत्र स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा है मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर है ए, असम। इसकी व्याख्या देखेंगे। नई दिल्ली में केंद्र सरकार, असम सरकार और DNLA की प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समझौता 2024 तक उत्तर पूर्व को उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौते से असम में उग्रवाद और सशस्त्र समूहों का पूर्ण अंत हो जाएगा। DNLA के 168 से अधिक कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। समझौते से असम के दीमा हसाओ जिले में उग्रवाद का पूर्ण अंत हो जाएगा। दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना असम सरकार द्वारा समझौते के तहत की जाएगी। पार्षद राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा, संरक्षण और प्रचार भी करेगी। परिषद स्वास्थ्य परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले दिमासा लोगों के त्वरित और केंद्र विकास का सुनिश्चित भी करेगी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म एकत्रित OSINT टूल के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा उपयोग के पूर्ण डिजिटलाइजेशन सूचना पैकेट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? पहला विकल्प है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, दूसरा है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या फिर नेट ग्रिड, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और चौथा है राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र। इस प्रश्न का उत्तर है बी, नेट ग्रिड। इसकी व्याख्या देखेंगे। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड खुफिया जानकारी एकत्र करने और कानून परिवर्तन उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं की रियल टाइम 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करने प्रदान करता है। हवाई अड्डे, रेलवे पैन रिकॉर्ड, बैंक, पासपोर्ट, अपराध और आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क और सिस्टम, दूरसंचार सेवा प्रदाता, वाहन पंजीकरण डेटा, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न स्रोतों से ये जानकारी एकत्रित की जाती है। समाधान के 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसमें चरण 2 में डेटा एनालिसिस, OSINT टूल्स और वेब आधारित एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक और ट्विटर को राष्ट्रीय सुरक्षा उपयोग के लिए पूर्ण डिजिटलाइजेशन सूचना पैकेट प्रदान करने के लिए एकत्रित किया गया है। OSINT टूल संस्थाओं, संबंधों और अन्य लिंक की गई लिखित ऑडियो और वीडियो जानकारी को एक रिपोर्ट में संरक्षित करके निकाल सकता है।
चरण एक के तहत नेटग्रिड अपनी डिजिटल डेटाबेस पर दूरसंचार कंपनियों, भारत के चुनाव आयोग और एयरलाइंस को एकत्रित कर रहा है। चौथा प्रश्न है, कौन सा राज्य लगातार 3 वर्षों तक उच्चतम बाजार उधार वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल और चौथा है तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर है बी, तमिलनाडु। इसकी व्याख्या देखेंगे। तमिलनाडु लगातार तीसरे वर्ष उच्चतम बाजार उधार वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। RBI के आंकड़े के अनुसार अप्रैल से लेकर फरवरी तक के महीने के दौरान राज्य विकास ऋण के माध्यम से तमिलनाडु का सकल बाजार उधार 68,000 करोड़ तक हो गया है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने सकल बाजार उधार में क्रमश 51,860 करोड़ और 50,000 करोड़ के साथ तमिलनाडु का अनुसरण किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने कर और गैर कर स्रोतों के माध्यम से राजस्व संग्रह में भारी कमी के कारण अपनी उधारी में तेजी से कमी लाई है। अप्रैल से फरवरी के दौरान आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गुजरात की उधारी वृद्धि वर्ष 2022 में उनके पूरे साल की उधारी से कहीं अधिक हो गई है। 22 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल से जून के महीने के दौरान कुल 1,00,000 करोड़ के बाजार उधार का अनुमान लगाया, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अकेले कुल उधार अनुमान का 35% हिस्सा लिए हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न, पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? पहला हमारा ऑप्शन है बैंक की कुल संपत्ति का उसकी देनदारियों से अनुपात, दूसरा है किसी बैंक की पूंजी का उसकी कुल संपत्ति से अनुपात, तीसरा है किसी बैंक की पूंजी और उसके जोखिम भरित आस्थितियों का अनुपात, चौथा है किसी बैंक को जोखिम भरित आस्थितियों का उसकी कुल आस्थितियों से अनुपात। इस प्रश्न का उत्तर है सी, किसी बैंक की पूंजी का उसके जोखिम भरित आस्थितियों से अनुपात। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे लगातार वित्तीय जोखिम का आकलन करें और निरंतर लचीलापन और सतत विकास के लिए नियामक न्यूनतम से परे पर्याप्त पूंजी और तरलता बफर्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। RBI ने पूंजी पर्याप्तता और तरल अनुपात के लिए विनियामक मानदंड निर्धारित किए हैं और समय समय पर जोखिमों में सिस्टम स्तरीय निर्माण को संबोधित करने के लिए मैक्रो शेड्यूल उपायों का लागू किया है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी हुई है और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है कि वित्तीय अस्थिरता की हाल की चिंगारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को 12% CR बनाए रखना चाहिए, जबकि भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 9% CR बनाए रखना आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे अपने 5 डेली करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।